खबरें खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड स्टाइल में। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC न्यूज की खास पेशकश खबर बॉलीवुड, जहां हम नजर डालेंगे मनोरंजन जगत में हो रही आज की 5 बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बॉलीवुड टॉप 5 खबरें। पहली खबर है गदर 2 से जुड़ी। गदर 2 ने एडवांस बुकिंग में तोड़े सभी के रिकॉर्ड्स। सनी देओल की फिल्म गदर 2 की रिलीज को लेकर लोगों में काफी उत्साह बढ़ता जा रहा है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग 1 अगस्त से शुरू हो गई है। ओपनिंग डे के एडवांस बुकिंग के नतीजों की बात करें तो इतने टिकट्स बिके हैं कि धांसू ओपनिंग का होना तय माना जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर और गानों ने पहले ही माहौल बना रखा है। वही फिल्म की एडवांस बुकिंग को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसे देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार की OMG 2 के बीच ही गदर 2 की ओपनिंग काफी अच्छी होगी। गदर 2 की एडवांस बुकिंग रिस्पांस को देखकर ऐसी चर्चा है कि पठान के बाद गदर 2 मास बेल्ट में बड़ी ओपनिंग से ले सकती है। चंद्रमुखी 2 से कंगना रनौत का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। एक्ट्रेस का शाही अवतार देख फैंस को काफी आया पसंद। बॉलीवुड की पंगा गर्ल यानी कंगना रनौत किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। कंगना की बयानबाजी से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि कंगना रनौत दमदार एक्ट्रेस है। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फैंस को इम्प्रेस किया है। वहीं अब कंगना के फैंस को एक सरप्राइज मिल गया है। कंगना रनौत जल्द ही चंद्रमुखी 2 में नजर आएंगी। इस फिल्म से साउथ एक्टर राघव लॉरेंस का फर्स्ट लुक काफी समय पहले ही नजर आ चुका है, जिनके साथ ही कंगना पहली बार स्क्रीन शेयर कर रही हैं। वहीं अब इस फिल्म से कंगना रनौत का भी फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। कंगना फिल्म में शाही अंदाज में नजर आएगी। इसका अंदाज फिल्म के पोस्टर ने ही दे दिया है। कंगना रनौत अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म से जुड़ा अपना फर्स्ट लुक उन्होंने शेयर किया। इस पोस्ट में कंगना का महारानी अवतार काफी एक्टिव है। एक्ट्रेस ने भारी भरकम ग्रीन कलर का आउटफिट पहना हुआ है, उसके साथ ही हैवी ज्वेलरी भी पहनी हुई है, जिसमें कंगना रनौत काफी सुंदर लग रही है। इस पोस्ट के साथ कंगना रनौत ने लिखा कि सुंदरता और मुद्रा जो हमारा ध्यान खींच लेती है। पेश है चंद्रमुखी 2। मनोज के किरदार का नाम स्माइली ढिल्लो है। उन्होंने जब उनको पता चला कि 14 सालों के लंबे गैप के बाद अब परेश रावल के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं तो मंजोत की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों की मुलाकात जो फिल्म के सेट पर हुई तो माहौल काफी इमोशनल हो गया था। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना अपना पूजा और करमवीर सिंह वाले डबल रोल को जारी रखेंगे। अनु कपूर उनके पिता के रोल में है, अनन्या पांडे परी श्रीवास्तव के रोल में है और मनोज जोशी उनके पिता का किरदार निभा रहे हैं। वहीं अभिषेक बैनर्जी शाहरुख के किरदार में है जबकि परेश रावल अबू सलीम के रोल में है। कभी खुशी कभी गम की पू ने बिजनेसमैन संग की सगाई, शेयर की खास मोमेंट की कई तस्वीरें। साल 2001 में रिलीज हुई सुपरहिट कभी खुशी कभी गम फिल्म में काजोल की छोटी बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मालविका राज ने अपने बॉयफ्रेंड प्रणव बग्गा से सगाई कर ली है। 4 अगस्त को अपने इंस्टा हैंडल पर मालविका ने सगाई की तस्वीरें शेयर कर फैंस को इसकी खबर दी। एक्ट्रेस की सगाई तुर्की में हुई थी। मालविका ने बिजनेसमैन प्रणव बग्गा से सगाई रचाई है। उन्होंने इसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। मालविका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि हमने अभी नई शुरुआत की है और इतने समय के बाद हमारा समय आ गया है। ये वही जगह है जहां हम मिले थे। तस्वीरों में मालविका के मंगेतर प्रणव भी नजर आ रहे हैं। और नजर डालते हैं आज की आखिरी खबर पर, जिसके अनुसार धीमी पड़ रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जी हाँ, बॉलीवुड स्टारर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हाल ही में रिलीज हुई थी। इस मूवी को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया, यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिल्म की ओपनिंग काफी अच्छी रही। इसके बाद पहले वीकेंड पर रॉकी और रानी की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था। हालांकि इसके बाद फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है।
इसी बीच रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की 8वें दिन की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को 6.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ ही फिल्म की कुल कमाई 79.83 करोड़ रुपए हो गई है। हालांकि ये अभी शुरुआत आंकड़े है, अभी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आनी बाकी है। बता दें कि 8 दिन के बाद भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 100 करोड़ का आंकड़ा छू नहीं पाई है। तो ये थी आज की बॉलीवुड की कुछ मसालेदार 5 बड़ी खबरें। रोजाना बॉलीवुड की ऐसी ही अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए खबर बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज पर।